देवभूमि में आपके आते ही कांग्रेस बौखलाने लगी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि उत्तराखंड में आपकी दस्तक से अब तक मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस के बड़े नेता बेबुनियादी बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राज्य गठन के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस और भाजपा प्रदेश में सत्ता में रही, दोनों ही पार्टियां प्रदेश का विकास नहीं कर सकी। राज्य बनने के बाद भी मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयानों से लगता है कि ये सभी आपको देखकर डरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां आपस में साठ गांठ करके एक के बाद एक राज करती रही। दिनेश मोहनिया ने कहा कि दोनों पार्टियां राज्य गठन के बाद से अब तक अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। दोनों पार्टियां राज्य बनने के बाद से अब तक प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार को पटरी पर क्यों नहीं ला पाई। वरिष्ठ आंदोलनकारी अवतार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक आयोजित हुई। दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे, उनके समक्ष चिन्हीकरण की मांग उठाई जाएगी।